चैनल एंड बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर, 8 महीना बचा है कैट के लिए होगा कि नहीं होगा अभी एग्जाइटी बढ़ रही है प्रेशर बढ़ रहा है बट एनी आई अ ग्रेट फेस्टिवल आपने होली अच्छे से मनाई होगी कलर्स वगैरह खेलोगे हम बॉम्बे में रहते हैं स्टडी नाउ नंबर वन ये वीडियो ना छोटा रखूंगा एंड इस वीडियो में कुछ बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने है डेटर के बच्चे हो किसी और कोचिंग के बच्चे हो आपको करना ही करना है अप्रैल मे जून एंड जुलाई अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश तो पे ना बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं हमारा फंडा क्या होता है हम कैसे पढ़ाई करते हैं दो घंटा डी आई दो घंटा एल आर दो घंटा वर्बल दो घंटा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है अगर आपको कैट क्रैक करना है आज भी अगर चालू करते हो आठ महीने आपके पास नाइन्टी नाइन परसेंट आप आराम से लेके आ सकते हो देर इज नो डाउट अबाउट इट बहुत सारे बच्चों ने कराया सी टू सी के टॉपर से उन लोगों ने भी कराया राइट बट एक चीज आपको ध्यान रखना है आप जो भी करोगे आपको उसको परफेक्ट लेवल पे करना है अब हम परफेक्ट लेवल पे कब कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम ही टाइम हो अब हमारे पास आठ महीने बचे हैं आठ महीने बहुत ज्यादा टाइम होता है अब प्रॉब्लम क्या है ना बहुत सारे बच्चों की जो दिक्कत है वो आती है क्वांस में एंड यू नो वट क्वान्स का जो वेटेज है क्वांट्स का जो पोर्शन है जो सिलेबस है वो कैट में सबसे ज्यादा है मैं कहूंगा अगर आप पकड़ लो क्वांट्स का 100 परसेंट अगर आप पकड़ते हो तो मुझे लगता है डीएलआर 50 परसेंट होगा और तुम्हारा वर्बल 30 परसेंट होगा ये एक इसकी इंटेंसिटी में बात कर रहा हूं है ना एक वेटेज के बारे में बात कर रहा हूं ऑलवेज so रिमेंबर आप क्वांट से पहले चालू करो अब अगर आप क्वांट से चालू करते हो क्वांट्स में आपको क्या करना है यह हमारा स्टेड्यूल है द न्यू बेस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुमोरो क्वांट्स के बारे में अगर मैं बात करूं हमारा फोकस होता है अरिथमेटिक पे हमने कुछ दिनों पहले मॉडर्न मैथ्स कराया कुछ दिनों पहले हमने नंबर सिस्टम भी कराया है बट अभी जो नया बैच है उनके लिए हम अरिथमेटिक से चालू करने वाले हैं सर मैजिक क्या है इसमें अगर आप यहां पे थोड़ा देखते हो ना आपका कौन का वेटेज आपको यहां पे पता चलेगा क्या वेटेज है अगर आप देखो कि हर साल आपका एंड जोमेट्री जो मैं ऑलवेज कहता हूं आग फंडा करके ए ए जी वाला जो मेरा स्ट्रैटेजी है यार ये कुल मिला के ना अस्सी परसेंट का पेपर आता है लास्ट ईयर नंबर सिस्टम थोड़ा सा आया था मॉडर्न मैथ्स भी थोड़ा सा आया था बट ये स्टेगनेट रहेगा ये स्टैंडर्ड रहेगा कि कि आपका अरिथमेटिक अरिथमेटिक करेगा मेक श्योर करो कि आप से चालू करना बिकॉज बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं अरिथमेटिक को एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या है ना हम बहुत जल्दबाजी में अरिथमेटिक करते हैं हमारा टारगेट होता है कि हम पंद्रह दिन में अरिथमेटिक करेंगे बीस दिन में अरिथमेटिक करेंगे कुछ कोचिंग वाले मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन करते हैं वो कहते हैं पचास दिन में पोर्शन कवर कर देंगे साठ दिन में पोर्शन कवर कर देंगे बकवा

आठ चैप्टर्स का मैंने दे दिए आठ वीक्स आप कहोगे सर आठ वीक्स आठ चैप्टर के लिए यस एब्सोल्युटली अप्रैल का महीना और मई का महीना मैंने सिर्फ अरिथमेटिक कर लिया एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग कर ली डैशबोर्ड के जो लेक्चर्स है रिकॉर्डेड वो कर लिए लाइव लेक्चर्स कर लिए ई बुक्स कर लिए प्रैक्टिस 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 कर लिया एंड जो डाउट सॉल्विंग है डाउट सॉल्विंग कौन करेगा आपका से में डाउट सॉल्विंग करने वाले हैं सैनदीप सर हूज अटन नाइन परसेंट एलर कैट ऑल इंडिया रैंक होल्डर ऑल्सो क्वांट्स में वो हंड्रेड परसेंट टाइलर है एंड जैट में वो हंड्रेड परसेंट टाइलर है वो आपका डाउट सॉल्विंग करने वाले हैं सो so जो भी डाउट क्लियर कर लो दो महीने में गाइस इमेजिन करो अगर आपने अरिथमेटिक फूड के रख दिया यार आप छः सात क्वेश्चन के लिए रेडी हो कैट में उसके बाद बस आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी है कैट के पेपर करने हैं एक बार अप्रैल और मई हो गया जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर मंथ्स यू हैव टू रिवाइज इट इमेजिन करो आप क्या मास्टर लेवल पे जाओगे राइट right. सो so, जो हम दो दो घंटा करते हैं वो मत करना मेरा फंडा सिंपल होता है अगर बच्चे को मतलब किसी को भी टॉप करना है बहुत सारे बच्चों ने टॉप करा भी है कैट में से दूसरी से एक चीज आप, आपको ऑलवेज याद रखनी चाहिए कि एक चीज पकड़ो उसके पीछे लग जाओ अगर आप देखोगे दो महीना दो दिन क्वाट्स कर लिया दो दिन डीआई कर लिया दो दिन वर्बल कर लिया फिर पता है क्या होता है दो दिन क्वाट्स इतना ढंग से हो नहीं पाता बिकॉज एक क्वेश्चन करने के लिए क्वॉंट्स का यार एक से डेढ़ घंटा लग जाता है अगर आपने दो महीने से पढ़ाई करना चालू करा है अगर आप एक महीने से पढ़ाई कर रहे हो आप इस बात पर अग्री करोगे कि हां सर यार एक दो क्वेश्चन करने के लिए दो घंटे लग जाते हैं सो so आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है जल्दी जल्दी पोर्शन कवर करके हमें कहां जाना है बिकॉज कैट एग्जाम तो हमारा नवंबर में ही हो रहा है राइट सो मेक श्योर करो कि अगले दो महीने में सिर्फ और सिर्फ अगर अरिथमेटिक भी कर लेते हो तो भी क्वांट्स में नब्बे निकाल लो एक चीज पकड़ो पूरा फोकस इसके ऊपर रखो डेली बेसिस पे वही चीजें करो वर्बल का जहां तक सवाल है मैं कहूंगा वी में आप क्या कर सकते हो आप थोड़ा रीडिंग पे फोकस कर सकते हो मेरे जो ए के जो सेशन होते हैं ए एस वाले उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत फोकस रख सकते हो आने वाले दिनों में जो अरिथमेटिक कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले सृजन सर कौन में नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट परसेंट है लायाता सर ने बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाते हैं मतलब जब भी कल से जब हमारे लेक्चर चालू हो जाएंगे हम आपको एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ लेवल से आपको पढ़ाने वाले हैं लाइक एनसीआर मतलब एकदम बेसिक लेवल पे सो यहां पर हमारा फोकस रहेगा कि भाई अपने बेसिस आप स्ट्रांग कर लो ताकि कैट में आपके छह सात क्वेश्चन आराम से बन जाए बिकॉज आपके पास आठ महीने का समय है अगर मैं डीएलआर के बारे में बात करूं एक बार आपका अरिथमेटिक हो गया आपका बेसिक लेवल का डीएल हो जाएगा कैलकुलेशन ओरिएंटेड हो जाएगा टेबल हो गया हो हो गया बार ग्राफ हो गया आने वाले दिनों में DILR के हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कैट में शोर शॉर्ट आपको दिखने वाले हैं और आने वाले दिनों में मई महीने तक मैं वर्बल एबिलिटी पूरा कवर करने वाला हूं जो ऑलरेडी आपके डैशबोर्ड पे अपलोडेड है यहां से आपके आठ क्वेश्चन आएंगे आठ क्वेश्चन विल गिव यू नाइन परसेंटाइल प्लस प्लस फॉर श्योर sure, ये हर साल होता है यहां ये कैट में आप देखो पिछले नौ साल से ये हो रहा है कैट में कि यार अगर आप वर्बल एबिलिटी अच्छे से कर लेते हो आप नब्बे परसेंट आराम से कर सकते हो नब्बे परसेंट एल पर सर आई एम की कॉल आना चालू हो जाएगा थोड़ा बहुत और मेहनत कर लोगे ओवरऑल नाइन्टी फोर परसेंट एल अगर आ गए तो यार आपको न्यू आई एम्स भर आएंगे कम से कम यहां पर आपको दस आई एम की कॉल्स आ जाएगी सो so, अगले आठ महीने के लिए जो भी पढ़ो डिटेल में पढ़ो समय लेके पढ़ो जल्दबाजी में मत पढ़ो कोचिंग वालों का स्केड्यूल है उनको अपना स्केड्यूल फॉलो करने दो आप अपना स्केड्यूल फॉलो करो बिकॉज हमारे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये हमारा स्केड्यूल होगा बट जब आपका मेरे साथ जूम कॉल होगा एक कैचअप होगा कुछ दिनों में तब मैं आपको आपका डेली स्केड्यूल देने वाला हूँ कि एज अ स्टूडेंट जब आपके सेशन होते हैं तब आपको घर पे बैठ के कैसे पढ़ाई करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड मेक श्योर करो कि जब आपका कोई टॉपिक हो जाए तो भाई टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है फुल लेंथ मॉक्स मत देना अगर क्वांट्स वीक है डीएलआर वीक है वर्बल वीक है फुल लेंथ मॉक्स बिल्कुल भी मत देना बहुत सारे बच्चे फुल लेंथ मॉक्स देने जाते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि सर मेरा तो कुछ पढ़ाई हुआ ही नहीं है और मैं कुछ कर नहीं सकता सो डोंट डू दैट। आपके पास बहुत ज्यादा समय है सो so, आठ महीने में अगर आप देखोगे अगले दो तीन महीना सिर्फ बेसिक्स पे काम करो बाकी चीज़ें चलती रहेगी हमारी एक नई बैच ऑलरेडी आने वाली है कल से हम चालू कर रहे हैं यार यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी मतलब इतना भी अगर आप कर लोगे तो भी काफ़ी है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की कैट में ना अगर आप देखोगे जो क्वांट्स आया था वो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि डिफिकल्ट था बट ये हमारे सिटू से मेंटर का ए अप्रोच विच इज बेसिक एडवांस और चैलेंजर हम तीन लेवल पे पढ़ाते हैं इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आए थे जो सैंदी पे हमारा जो टॉपर है हंड्रेड परसेंट आलर रहे वो क्वाइंट्स में ही सेट कि सर चैलेंजर लेवल के क्वेश्चन कैट में डिट्टो दिखे थे कुछ कुछ चैलेंजर लेवल के जो क्वेश्चन है वो कैट से भी ज्यादा डिफिकल्ट थे तो जहां तक कंटेंट का सवाल है वी विल टेक केयर ऑफ ऑल योर कंटेंट एंड अगर आप ज्वाइन करते हो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी आपको यहाँ पे मॉक्स वगैरह भी मिलने वाली है कम से कम आपको तीन टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पे मिलने वाली है जिसके सॉल्यूशंस भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं सो मेक श्योर करो कि अगर आप चालू करते हो फिलहाल मॉक्स को थोड़ा साइड में रखना आपकी प्रेपरेशन पर ज्यादा फोकस रखो नोट्स बनाना चालू करो कहाँ कहाँ आप गलत जाते हो वो चीजें लिखना आप चालू करो एंड आराम से आपका ये निकल जाएगा मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे मेरे को स्टोरीज भी डाली थी मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है तो आपको चीज़ें पता चलेगी 49 परसेंटाइल से लेके बच्चे ने 95 परसेंटाइल तक जंप मारा है 86 परसेंटाइल से लेके 99.68 परसेंटाइल तक लोगों ने जंप मारा है सो so गाइज दो तीन चीज़ें ज़रूरी होती है एक राइट मेंटरशिप काफ़ी ज़रूरी है राइट right गाइडेंस काफी ज्यादा जरूरी है एंड आप किस तरीके से पढ़ाई करोगे वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है सो so, अगर आप से के साथ हो विल टेक केयर ऑफ दैट बट यस एट मंथ्स टू कैट बहुत लंबा समय है बहुत ज़्यादा समय है मेक श्योर करो पढ़ाई आप ढंग से करना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आने वाले दिनों में एट मंथ्स टू कैट का डिटेल वीडियो आने वाला है अप्रैल से कैसे आप मंथ बाय मंथ आपको टॉपिक एलोकेशन क्या होगा उसका वीडियो आने वाला है कुछ टॉपर्स के वीडियोस आने वाले हैं और मोटिवेशनल वीडियोस भी आपके लिए आने वाले हैं सो गाइज ऑन दैट नोट आई होप दिस वॉज हेल्पफुल कमेंट करना एक बार और बताना ही हेल्पफुल था कि नहीं एंड कल से हमारी बैच चालू हो रही है इफ़ यू वॉन्ट ज्वाइनस यू कैन ज्वाइनस एक लिंक में दे दूंगा ये फ्री प्रोग्राम की हमारी लिंक है जाके फ्री प्रोग्राम है कैट का वो देख लेना एंड इफ यर इंटरेस्टेड देन टॉक टू माई सेल्स टीम दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल आल सी ऑन दी अदर साइड गैस टेक केयर एंड